सिंपल वीडियो एडिटिंग हैक्स जो आपकी वीडियोस को 10x एंगेजिंग बना देगी, जैसे कि पेपर टेक्स्ट एनिमेशन, लाइन एनिमेशन, किसी भी नॉर्मल क्लिप को 3D में क्रिएट करना, कुछ इस तरह के एनिमेटेड इमोजीज एंड मच मोर। तो ये सब पॉसिबल है इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद। एंड इस वीडियो के एंड में आपको एक गिफ्ट भी मिलेगा, जिसमें आपको मिलेगा 50GB का एक एडिटिंग पैक। तो उस एडिटिंग पैक में आपको बर्बर के ट्रेंडिंग एडिटिंग मटेरियल मिलेगा जो आपके दिमाग को हिलाकर रख देगा। तो उस एडिटिंग पैक को कब और कहां पे डाउनलोड करना है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, बट उससे पहले स्टार्ट करते हैं पेपर टेक्स्ट एनिमेशन से। ओके, तो पेपर टेक्स्ट एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए आपको सबसे आना होगा अपने काइन मास्टर में, एंड यहाँ पे काइन मास्टर के एसएस स्टोर में जाना होगा। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको सिटी कर्स पे क्लिक करना होगा। एंड उसके बाद टेक्स्ट एंड टाइटल्स में ही आपको ये वाला फोल्डर देखने को मिलेगा, पेपर टेक्स्टर। तो उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली इसको करना होगा डाउनलोड। एंड उसके बाद अगेन आ जाना अपने काइन मास्टर में, एंड यहाँ पे कोई सा भी बैकग्राउंड एड कर लेना, फॉर एग्जाम्पल मैं कर लेता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे सिटी कर्स पे क्लिक करके आपको यहाँ पे वो वाला फोल्डर देखने को मिलेगा, लाइक यहाँ पे पेपर टेक्स्टर। तो इस पे सिंपली कर लेना क्लिक। एंड उसके बाद इस वाले फोल्डर में आपको बहुत सारे पेपर टेक्स्टर्स मिलेंगे, तो इनमें से आप किसी को भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ इसको। तो उसके बाद टेक्स्ट को ऐड करने के लिए इस पे सिंपली कर लेना क्लिक, एंड आ जाना इसकी सेटिंग्स में। एंड यहाँ पे तुम अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ द AI माइंड। एंड यहाँ पे तुम फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हो, लाइक मैं रखता हूँ अपने फेवरेट फॉन्ट को। एंड नाउ अगर तुम प्ले करोगे तो इस इफेक्ट को यूज करके तुम अपने वीडियोस में टेक्स्ट या फिर कवर पॉइंट को दिखा सकते हो। सो नाउ उसके बाद बनाते हैं इस लाइन एनिमेशन को, जो कि दिखने में बहुत ही ऑसम लगती है। तो इसको बनाने के लिए आप अगेन आ जाना अपने काइन मास्टर में, एंड यहाँ पे अगेन कोई सा भी बैकग्राउंड एड कर लेना। फॉर एग्जाम्पल मैं कर लेता हूँ इस मोशन बैकग्राउंड को। एंड उसके बाद लेयर्स पे क्लिक करके आपको एड करना होगा अपने PNGs को, जिनको तुम लाइन एनिमेशन देना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ PNGs पहले से ही बनाए हैं, लाइक मैं कर लेता हूँ एड इसको लाइन। ओके, तो इसको एड करने के बाद इसको यहाँ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, एंड इसको रख लेते हैं स्क्रीन के इस वाले हिस्से में, लाइक दिस। नाउ यहाँ पे सिंपली जाना इन एनिमेशन में, एंड यहाँ पे इसकी इन एनिमेशन रख लेना स्केल अप, एंड स्पीड तुम अपने हिसाब से रख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 0.5। ओके, सो आप धीरे धीरे करके उस वाले पॉइंट पे आ जाना जहाँ पे इसकी इन एनिमेशन खत्म होती है, लाइक दिस। एंड उसके बाद यहाँ पे लेयर्स पे क्लिक करके तुम ड्रॉ में आ जाना, एंड यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक करके लाइन को सिलेक्ट कर देना, एंड कलर में आके व्हाइट को रख देना। एंड उसके बाद तुम अपने लाइन के साइज को अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं रखते हूँ इसको। एंड उसके बाद तुम स्क्रीन पे कहीं पे भी लाइन ड्रा कर लेना, लाइक दिस, अच्छे से। एंड उसके बाद इस लाइन को रखते हैं अपने PNG के ऊपर, लाइक दिस। एंड यहाँ से इसको कर लेते हैं सेंड टू बैक। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लेता हूँ, तुम अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करना। एंड उसके बाद इसकी इन एनिमेशन में जाके इसको ड्रा बाय स्ट्रोक रखते हैं, एंड स्पीड तुम अपने हिसाब से अगेन कस्टमाइज कर सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं रख लेता हूँ इतना। एंड उसके बाद तुम धीरे धीरे स्लाइड करके उस वाले पॉइंट पे आ जाना जहाँ पे लाइन की इन एनिमेशन खत्म होती है, लाइक दिस। एंड यहाँ पे अगेन लेयर्स पे क्लिक करके उस दूसरे PNG को एड कर लेना जिसको तुम दिखाना चाहते हो। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मैं कर लेता हूँ इसको। तो इसको ऐड करने के बाद इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, एंड इसको लाते हैं अपने लाइन के ऊपर, लाइक दिस। एंड इसकी इन एनिमेशन आपको कुछ भी नहीं रखनी है, वरना लाइन एनिमेशन अच्छे से नहीं दिखेगी। एंड उसके बाद तुम अगेन स्लाइड करके आ जाना उस पॉइंट पे जहाँ पे आप दिखाना चाहते हो कि आप तीसरा PNG आना चाहिए। एंड उसके बाद तुम यहाँ पे सिंपली इस लाइन पे क्लिक करके इसको यहाँ पे कर लेना डुप्लीकेट, एंड इसको लाते हैं यहाँ पे। तो इसको अच्छे से एडजस्टमेंट करने के बाद मैं अगेन धीरे धीरे स्लाइड करता हूँ, एंड उस वाले पॉइंट पे आ जाता हूँ जहाँ पे इसकी एनिमेशन खत्म होती है, एंड वहाँ पे एक और PNG को करता हूँ एड, लाइक दिस। ओके, तो इसी प्रोसीजर को फॉलो करके मैंने यहाँ पे एक और PNG एड किया है। तुम अपने वीडियो के अकॉर्डिंग करना जितने भी PNG तुम्हें अपनी वीडियो में एड करने होंगे। एंड उसके बाद तुम अगर यहाँ पे प्ले करोगे तो कुछ इस तरह की लाइन एनिमेशन बन गई है, ओपी। ओके, तो एल्गोरो के वीडियोस में और मेरी वीडियोस में आपने ये वाला चीज जरूर देखा होगा, लाइक जब भी हम अपने वीडियोस में किसी भी पॉइंट को बताते हैं तो वो कुछ इस तरह से आता है। तो चलिए बनाते हैं इसको भी, एंड इसको बनाना बहुत ही सिंपल है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आ जाना होगा अपने काइन मास्टर में, एंड यहाँ पे अगेन कोई सा भी बैकग्राउंड ले लेना, लाइक मैं अगेन इसी को एड करता हूँ। एंड उसके बाद लेयर्स में जाके आपको इस PNG को करना होगा एड, इसकी भी लिंक आपको मिलेगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड डन। नाउ उसके बाद इसकी इन एनिमेशन रख लेना स्वाइप अप, एंड उसके बाद तुम यहाँ पे अपने हिसाब से टेक्स्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हो जो भी तुम्हें करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ इसको,
ना उसके बाद टेक्स्ट की भी इन हमेशा रखने ना स्वाइप अप एंड ना अगर तुम यहाँ पे प्ले करोगे ओपी। ओके सो आप बनाते हैं इस 3D एनिमेशन को जो कि दिखने में काफी ज्यादा ऑसम लगती है वीडियोस में एंड इसको तुम सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में क्रिएट कर सकते हो। तो इसको क्रिएट करने के लिए आपको अगेन आ जाना होगा अपने काइन मास्टर में एंड यहाँ पे काइन मास्टर के एसेट स्टोर में आ जाना होगा एंड उसके बाद यहाँ पे आपको आना होगा क्लिप ग्राफिक्स में एंड यहाँ पे आपको सर्च करना होगा 3D। ना उसके बाद यहाँ पे आपको 3D कैप्चर मूवमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा तो इस पे सिंपली क्लिक करके इसको कर लेना डाउनलोड एंड उसके बाद आपको अगेन आ जाना होगा अपने काइन मास्टर में एंड यहाँ पे उस क्लिप को ऐड करना होगा जिसको तुम 3D में क्रिएट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ इसको। ना उसके बाद मैं सबसे पहले स्क्रीन शॉट की एडजस्टमेंट करता हूँ। ओके सो एडजस्टमेंट करने के बाद आपको सिंपली आना होगा इसकी क्लिप ग्राफिक्स में एंड यहाँ पे उस एनिमेशन को करना होगा एड। यहाँ पे आपको बहुत सारे इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करता हूँ कि इस 5th वाले को ही चूज कर लेना एंड उसके बाद सिंपली अपने वीडियो को कर लेना एक्सपोर्ट। ना वीडियो को सिंपली एक्सपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इस वाले प्रोजेक्ट फाइल को कर लेता हूँ डिलीट एंड उस फाइल को कर लेता हूँ एड जिसको हमने अभी एक्सपोर्ट किया है एंड नाउ उसके बाद यहाँ पे इसके पिन एंड जूम में आके इसको अच्छे से कर लेना जूम लाइक दिस। ये जो ग्रीन वाला एरिया है ये पूरा गायब एंड उसके बाद इन दोनों को कर लेना यहाँ से मर्ज एंड उसके बाद अगर हम प्ले करेंगे तो एक ओपी एनिमेशन बन जाती है। अगर तुम इसको कैपकट प्रीमियर प्रो या फिर आफ्टर इफेक्ट्स में क्रिएट करोगे तो पूरा एक दिन का टाइम लगेगा। अगर तुम गेमिंग वाले वीडियोस बनाते हो या फिर रोस्टिंग वाले वीडियोस बनाते हो या फिर कुछ भी कॉमेडी वगैरह अपने वीडियोस में करते हो तो इन इमोजीज का यूज आपको करना ही होगा। तो इनके लिए आपको सिंपली आना होगा अपने काइन मास्टर में एंड यहाँ पे कोई सा भी बैकग्राउंड ऐड कर लेना एंड उसके बाद अगेन आ जाना काइन मास्टर के एसेट स्टोर में एंड यहाँ पे स्टिकर्स पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सर्च करना होगा 3D। ना उसके बाद यहाँ पे आपको ये वाला फोल्डर देखने को मिलेगा तो इसको यहाँ पे सिंपली कर लेना डाउनलोड एंड उसके बाद आपको सिंपली आ जाना होगा अपने काइन मास्टर में एंड यहाँ पे स्टिकर्स पे क्लिक करना होगा एंड यहाँ पे आपको ये वाला फोल्डर देखने को मिलेगा 3D डेले एंड इसमें आपको बहुत सारे 3D एनिमेटेड इमोजेस देखने को मिलेंगे जिनको तुम अपने वीडियोस में यूज कर सकते हो। लाइक इसमें ये हैंड्स वाला है, ये हर्ट है, ये एंग्री वाला है, ये वाला है एंड सो ऑन। ओके तो ये था एक सिंपल सा वीडियो जिसमें मैंने आपको कुछ सिंपल एडिटिंग हैक्स बताए हैं जिनको तुम यूज करके अपनी वीडियो एडिटिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। बाकी अगर तुम और भी ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हो वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड तो इन वाले वीडियोस के साथ जा सकते हो, काफी कुछ सीखोगे। थैंक्स।